सचिन भाई, कल आपके ड्राइवर ने समय पे 8 पार्सल नहीं पहुंचाया, कस्टमर ने कंप्लेंट भी कर दिया, इसलिए मेरा और आपका दोनों का इंसेंटिव कट हो गया, हम सब का ही नुकसान हो गया। सर एक मिनट, अरे राजू कल क्या हुआ था यार? क्या करूँ सर, मेरा नसीब ही कुछ खराब है, एक गाड़ी 40 के ऊपर नहीं चलता सर, कल पूरा ट्रैफिक था इसलिए सोचा शॉर्टकट में घूम जाओ, मगर ये गाड़ी छोटी गली में घूमता ही नहीं, और जैसे ही मैं फ्लाईओवर में चढ़ना शुरू कर दिया आगे के व्हील उठ गया सर, पार्सल पूरा गिर गया, इसलिए सर आपका पार्सल टाइम में नहीं पहुंचा पाया। सर एक बार आखिरी मौका दे दीजिए, इस बार पार्सल पक्का टाइम पर पहुंच जाएगा। तो आज कौन सा जादू है तुम्हारे पास? मुझे रोज रोज कोई बहाना नहीं चाहिए, मैं किसी और को ढूंढता हूँ। सर आज नया ड्राइवर है, ये इन सारी समस्याओं का एकमात्र इलाज है, आप भी चाहे तो इसे बात कर लीजिए। ये कौन सी गाड़ी है? देखने में नई लग रही है। साहब ये है नया TVS किंग कार्गो और ये गैस पर चलती है। गाड़ी देखने में तो छोटी लग रही है, ऊपर से ये तो गैस से चलती है, ये क्या सामान पहुंचाएगी? ये तो सामान उठा भी नहीं पाएगी। साहब दुनिया बदल रही है, आजकल तो बस और ट्रक भी गैस पर ही चलती है। आप फिक्र मत करिए, आप एक बार TVS किंग कार्गो पर भरोसा करके तो देखिए। सुनो इस TVS किंग कार्गो में पार्सल लोड कर दो। अरे वाह, इस गाड़ी में तो तीनों तरफ से दरवाजा खुलते हैं और सामान चढ़ाने में कितना आसान है। सर देखना इस गाड़ी से हम सबका फायदा होगा। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, देखते हैं अब ये TVS किंग कार्गो कैसे चलेगा। ये चलेगी नहीं साहब, दौड़ेगी। अरे गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसमें तो जरा सी आवाज भी नहीं हुई। साहब ये TVS किंग कार्गो है, इसमें है आई टच स्टार्ट, एक टच में चालू हो जाती है वो भी बिना आवाज के। लगता है अब TVS किंग कार्गो अपनी कमाल दिखाएगा। इंजन की आवाज भी एकदम स्मूथ है। साहब ये गैस की गाड़ी, इसमें ना तो कंपन होता है ना पटपट की आवाज आती है। इधर तो बन गया हीरो, अब देखते हैं ये हीरो है या जीरो। अभी तो ऑटो ट्रैफिक में फंस गया होगा और रास्ते में धीरे धीरे चल रहा होगा, अगर रास्ता खुला भी हुआ तो गाड़ी 40 के ऊपर नहीं चलेगी, बेचारा बुरी तरह से फंसेगा। अगर ट्रैफिक पार भी कर लिया तो पता नहीं गाड़ी फ्लाईओवर पे चढ़ भी पाएगी या नहीं। TVS किंग कार्गो में है शक्तिशाली लिक्विड कूल्ड इंजन, जिससे आप ट्रैफिक को और फ्लाईओवर को भी आसानी से पार कर सकते हो। अगर ये सब नए ड्राइवर ने पार भी किया तब भी वो छोटी गलियों में नहीं ले जा पाएगा। TVS किंग कार्गो की स्पीड बहुत अच्छी है, इसका टर्निंग सर्कल रेडियस बहुत छोटा है। फिर तो वो कच्चे रास्ते पे पहुंचेगा और उसकी कमर पे भी खूब झटके लगेंगे, जिसके कारण वो 10 मिनट आराम भी करेगा और फिर नींबू पानी भी पिएगा। कैसे सामान पहुंचाएगा समय पर? पार्सल डिलीवर होते ही बता देना, फिर अगला प्लान बनाएंगे कि इससे डिलीवरी करें या तो उसे हटा दें। सर करण का फोन आ रहा है। अब सुनो नया बहाना। साहब पार्सल डिलीवर हो गया। इतनी जल्दी? गाड़ी चलाकर गया था या उड़ाकर? साहब यही तो TVS किंग कार्गो का कमाल है, ये सबका जीवन बेहतर बनाता है। साहब दूसरी डिलीवरी कब और कहां करनी है? डिलीवरी आरामदायक थी या घर जाके शरीर की मालिश करनी पड़ेगी? TVS किंग कार्गो में ना कोई शोर ना कोई कंपन, ट्रिप चाहे कितनी भी लंबी हो कोई थकान महसूस ही नहीं होती। अब मैं तेरी दूसरी ट्रिप फिट बनाता हूँ। सर करण ने तो गैस गाड़ी की माइलेज के कारण पैसे बचा दिए, अब तो आपको और मुझे भी पूरा इंसेंटिव मिलेगा और बिजनेस भी ज्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर भी खुश और लोडर्स को भी अब लोडिंग करना आसान हो गई, अब हुआ सबका फायदा। सचिन भाई कल से आप TVS किंग कार्गो की गाड़ी ही ले आओ, अब सब मिलकर कमाएंगे मस्त। हाँ सर TVS किंग कार्गो के साथ हम सब कमाएंगे मस्त, रहेंगे स्वस्थ। पापा आप तो आप रोज इतनी जल्दी आएंगे। हाँ बेटा चलो हम क्रिकेट खेलेंगे। करण तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़ा ट्रांसपोर्टर बनोगे। साहब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कमाओ मस्त रहो स्वस्थ। TVS किंग कार्गो शुभ लाभ।